हाय गाइस, दिस इज दिनेश फ्रॉम कानपुर। आज हम बात करेंगे एंटीबॉडीज़ की। सो एंटीबॉडीज़ आर टाइप ऑफ फाइव, आई मीन एंटीबॉडीज़ जो होती है तो फाइव टाइप की होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 तो फाइव प्रकार की होती है, फाइव टाइप की। सो चलो इसके साथ भी खेलते हैं आज। दिस इज़ द एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटीबॉडीज़ ANTIBODIES, ठीक। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मालिक्यूल, ठीक। जो एंटीबॉडीज होते हैं तो प्रोटीन के मालिक्यूल होते हैं, ठीक है। मालिक्यूल मीन्स होता है कड़, ठीक है। तो प्रोटीन के कड़ कड़ होते हैं, जो प्रोटीन के छोटे छोटे कड़ होते हैं उनको ही एंटीबॉडीज कहते हैं, ठीक है। दिस इज द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मालिक्यूल सेलेक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको हम प्रॉपर तरीके से एक शब्द में कह सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इसको IG से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या IG से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग के इम्यूनोग्लोबुलिन को IG से डिनोट करते हैं। IG आई मीन की एंटीबॉडीज जो होती है तो फाइव टाइप की होती हैं, ठीक है। दिस इज द THIS, दिस इज द TYPE टाइप ऑफ FIVE। दिस इज द टाइप ऑफ फाइव, ठीक है। दिस इज द टाइप, यानी कि इनके टाइप क्या है, इनके पांच प्रकार के होते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ फाइव। सो आज मैं फिर से एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जो इसको लर्न करने में हेल्पफुल रहेगी, तुम्हारी काफ़ी हेल्प करेगी आपकी। सो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, जिसको डिटेल से पढ़ना हो या ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज कर लेना, फिर से देख लेना। तो ठीक है, दिस इज द एंटीबॉडीज, ठीक है। तो एंटीबॉडीज ही अपना हो गया। एंटीबॉडीज के कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ मैटर होते हैं जो उसके फेवर में काम करते हैं, तो उनके बारे में आप पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अपना क्या है कि जो डिनोटेड होता है, ठीक है। तो ये डिनोट करता है, कैसे डिनोट करता है, IG डिनोट करता है, ठीक है। एंटीबॉडीज IG से डिनोट करते हैं, दिस इज तो, ठीक है। तो रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं IG। सेकेंड हमारा पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है कि एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो दिस इज द दिस इज द वाई शेप। ये वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि फॉर्मूला FOMULA, फॉर्मूला L2H2, ठीक है। सॉरी, हम उल्टा लिख दिए हैं, H2L2। दिस इज़ द फॉर्मूला, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ का शेप जो होता है तो FY होता है, उसका फॉर्मूला जो होता है तो H2L2 होता है। इसको जो सोर्स करते हैं तो उसको कैसे शो करते हैं या डिनोट कैसे करते हैं, तो IG से करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको क्लियरली पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इस या रियर डायग्राम, ठीक है। तो रियर तो हम बना नहीं सकते, ठीक है, तो हम रियर ही बना लेते हैं। तो दिस इज़ द रियर डायग्राम। This is the diagram, ठीक है। अब हमको PhD तो करनी नहीं कि इसको हम डिटेल में घुसें, इसके डिटेल में जाके एक एक चीज़ इसको क्लियर करें, ठीक है। वो अपना टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द एंटीबॉडीज का शेप हो गया, साइज तो
तो हमने बता ही दिया था कि वाई शेप का होता है, शॉर्ट में वाई शेप, वाई शेप बोल सकते हो, सैलेड इज द वाई शेप, लेकिन डिटेल में अगर जाओगे तो फिर ऐसे इसको डिनोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द एंटीबॉडीज। अब इसमें इसके कुछ टाइप होते हैं, जैसे मैंने पहले बता चुका था कि फाइव टाइप के होते हैं, ठीक है। तो फाइव टाइप क्या है तो उनको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। आईजीएम, ठीक है। आईजीएम एक हो गया, आई जी 1 2 3, सॉरी ठीक है। तो अपने सामने एंटीबॉडीज फाइव टाइप की एंटीबॉडीज होती है जो अपने सामने आज रखी हैं, ठीक है। तो IgG, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दिस इज द 1 2 3 4, दिस इज द 5 1, तो 1 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अपने पास फाइव प्रकार के एंटीबॉडीज आ गई, ठीक है, फाइंड हो गई। अब इनको क्या करेगा कि जो एंटीबॉडीज हमने फाइंड किया है तो इसको लर्न भी करना पड़ेगा। कैसे लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कैसे पूछता है, क्वेश्चन में इसको क्रम सुटेबल तरीके से ऐसे पूछ लेगा, अब कैसे याद कर पाओगे, तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके भी कई फंडेज होते हैं कि मतलब इसका कहाँ उपयोग किया, इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, क्या क्या यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ कहाँ पे क्या क्या किया जाता है, वो सब अपना डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उसको छोड़ो, इसमें क्या है कि IgG, IgA, IgM, IgE, ठीक है। वो सब तुम्हें याद करना पड़ेगा, कैसे भी याद करो। अब तुम रटना शुरू कर दो, IgG, IgA, IgG, IgA, IgG, IgA, अरे यार ये सब मत करना, ठीक है, ये सब बिसौली वाली बात है, ठीक है। तो शॉर्ट में सीधे ट्रिक के हिसाब से मैं तुमको बता देता हूँ आपको, दिस इज द गेम, ठीक है। क्या लिखा है, GAME, गेम, लास्ट में डी लगा है, आई मीन दिनेश, डी फॉर दिनेश हो गया। तो दिस इज द GAME, यानी कि गेम याद रखना। और जो तुमको पढ़ा रहा है यानी दिनेश, यानी मेरा नाम, माय नेम इज दिनेश, तो तुम समझ जाना कि हाँ सर बताते कौन सर बताते, दिनेश सर बताते, क्या बताते, गेम बताते, यानी दिनेश सर गेम बताते। अब कौन क्या बताता है ये दिमाग में चलने चाहिए, ठीक है। अबे दिनेश सर बताते गेम बताते, आई मीन दिनेश सर बताते गेम बताते, यानी गेम दिनेश सर, गेम दिनेश सर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो गेम ऐसे लिख दो, गेम्ड ऐसे लिख दो, GAME ED ऐसे लिख दो, जैसे आपका स्वेच्छानुसार मन करे याद कर लो, जैसे आपको इजी लगे वैसे याद कर सकते हो। गेम्ड, ठीक है। GAME, यानी गेम कौन बता रहा है, डी यानी दिनेश, दिनेश सर गेम बता रहे हैं, ठीक है। दिनेश सर आपके साथ एक गेम खेल रहे हैं, माइंड गेम, या आपको गेम बता रहे हैं। तो ये भैया तुमको क्लियर हो गई। तो दिस इज़ द फेवरेट ट्रिक एंड इजीली ट्रिक, सो थैंक यू वेरी मच। आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा वीडियोस, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो मी चैनल, एंड थैंक यू दिनेश फ्रॉम कानपुर, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।